कोटला स्थित पुरातन श्री हनुमान मंदिर के प्रांगण में शहर के समस्त लोधी समाज बंधुओं ने एकत्रित होकर वीरांगना रानी अवंतीबाई जयंती हर्षोल्लास से मनाई। 16 अगस्त 1831 को वीरांगना रानी अवंतीबाई का जन्म हुआ। युवा अवस्था में उनका विवाह रामगढ़ की राजकुमार विक्रमादित्य के साथ हुआ। युवा अवस्था में राजा विक्रम आदित्य का निधन होने से और बच्चे छोटे होने से रानी अवंतीबाई पर रामगढ़ का राजपाट संभालने की जवाबदारी आई। उस समय देश पर अंग्रेजी हुकूमत का राज था। अंग्रेजी हुकूमत रामगढ़ को अपने अधीन करन चाहते थे, जो रानी अवंतीबाई को नागवारा था, जिसके चलते उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से दो दो हाथ करने की ठान ली और अंग्रेजी सेना को अनेकों बार युद्ध में हराया। इतिहासकार बताते हैं कि यहीं से 1857 के क्रांति का दौर शुरू हुआ। अंग्रेजी हुकूमत पर भारी पड़ रही वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी से बदला लेने हेतु एक बड़ी फौज के साथ उन्हें घेर लिया। लड़ाई के दौरान खुद को अंग्रेजों से घिरा देख रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों की गुलामी में जीने अच्छा अपने प्राणों की आहुति देना उचित समझकर अपनी ही तलवार अपने सीने में खोपकर देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर मातृभूमि के लिए बलिदान दिया। आज उसी महान पराक्रम 1857 की क्रांति की पुरोधा वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की 193वीं जयंती समूचे देश में लोधी समाज बांधव बड़े ही उत्साह से मनाकर उनके शौर्य और बलिदान को नमन कर उन्हें याद कर रहे हैं। भारत सरकार ने वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के सम्मान में सन 1988 और 2001 में डाक टिकट जारी कर उनके बलिदान और शौर्य की गाथा जन जन तक पहुँचाने का कार्य किया। ऐसे क्रांतिकारी विचारों की पुरोधा देश की आज़ादी के 1857 के क्रांति की प्रथम शहीद महान बलिदानी वीर योद्धा वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी को उनकी 193वीं जयंती पर समस्त लोधी समाज बंधुओं ने एकत्रित आकर उनके छायाचित्र का विधिवत पूजन और केक काटकर उनका जन्मदिवस बड़े ही उत्साह से मनाया। सावनीर सिंह बीसीएन न्यूज के लिए संवाददाता किशोर ढुंडेले की रिपोर्ट।